दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ कमाल के किचन गैजेट जिनका कि आप इस्तेमाल अपने किचन में कर सकते हो। तो भैया देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रोनको पास्ता मेकर दोस्तों मिले इस प्रकार के पास्ता मेकर न्यू गैजेट मशीन से। अगर ना दोस्तों आप अपने घरों में पास्ता, नूडल और सेवई मैगी जैसे आइटम बनाना चाहते हैं, तो आप इन सभी चीजों को बनाने के लिए इस पास्ता मेकर वाली मशीन का यूज कर सकते हैं। गाइस ये मशीन आपको अमेजोन पर इजिली परचेस हो जाती है, जो कि देखने में एकदम गोल्डन व्हाइट लगती है और इसका जो वेट होता है वो 4.7 होता है। दोस्तों इसका यूज करते समय इसमें आपको ट्राइमर को सेट कर देना होता है और मटेरियल को इसमें डाला जाता है, जिससे यह मशीन उसे पूरी तरह से मिक्स कर उसे छोटे छोटे नूडल्स व मैगी के शेप में बनाकर उसे नॉर्मली निकाल कर तैयार कर देता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मेकर मशीन बेहतरीन लगी होगी। सो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको यह गैजेट्स कैसा लगा है। टर्बो फ्लेक्स 316 दोस्तों अब मिलाते हैं आपको इस स्मार्ट गैजेट से, जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगा। गाइस नॉर्मली देखा जाए तो आप सभी के रसोई घर में ओटा बाथ तो होगा ही, जिसमें कि आप सब्जियां व सारे किचन ऑपरेटर्स को वॉश करते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें लगे वाटर पोल से आपकी सब्जियां की अच्छी तरह से धुलाई नहीं हो पाती है, तब आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार के फ्लेक्स 316 का, जो कि आपके रसोई, बाथरूम और कपड़े धोने के कमरे के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, जो कि आपके नलों में बड़े ही आसानी से फिट हो जाता है। और यही नहीं, यह फ्लेक्सिबल भी होता है, जिसे कि आप इजीली 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं और इसमें आपको दो स्प्रे सेटिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अलग अलग सेटिंग में वॉश कर सकते हैं। और दोस्तों यह एक 6 इंच की नली होती है, जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिसका खराब होने का कोई चांस भी नहीं रहता है। तो दोस्तों मुझे यह गैजेट कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है, और आपको कैसा लगा यह स्प्रे गैजेट, सो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 3 फिंगर आर्मोर दोस्तों अब मिले इस प्रकार के फिंगर आर्मोर से, जो कि आपकी सेफ्टी को बनाए रखता है। बट दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह गैजेट हमारी सेफ्टी कैसे कर सकता है, तो हाँ गाइस यह गैजेट आपकी सेफ्टी तो करता ही है, बट इसके साथ साथ यह आपके वर्क को और भी आसान बना देता है। दोस्तों आप अपने घरों में किचन वर्क तो करते ही होंगे, जिससे कि आपके हाथों से सब्जियां काटते समय चोट लग जाती है, तो गाइस आप ऐसे में यूज कर सकते हैं इस प्रकार के कुल गैजेट का, क्योंकि दोस्तों इस गैजेट की हेल्प से आप सब्जियों को बड़े ही आसानी से कट कर सकते हैं, जिसे कि आपको इसे अपनी उंगलियों में फंसाकर यूज करना होता है, जिसे कि आपकी सब्जियां भी आसानी से कट जाती है और आप एकदम सेफ्टी से अपना किचन वर्क कर सकते हैं। एक्सो दोस्तों अब मिले इस अमेजिंग व कूल किचन गैजेट से, जो कि आपके बहुत सारे कामों को आसान बना देता है। गाइस हम सभी सब्जियों को काटने के लिए नॉर्मली नाइफ का यूज करते हैं, जिससे कि कटने और फिटने का डर लगा रहता है और सब्जियां भी ढंग से नहीं कट पाती है। तो दोस्तों ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार के गैजेट्स का। जब आप इस किचन गैजेट्स का यूज करते हैं इन सभी चीजों को काटने के लिए, तो यह आपकी उंगली कटने के डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और यही नहीं, बल्कि आप इससे 21 डिफरेंट साइज व शेप में कटिंग कर सकते हैं। अगर ना गाइस आप भी सब्जियों को डिफरेंट साइज में कटिंग करना चाहते हैं, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। स्पेरिलाइजर दोस्तों इस गैजेट का यूज करेली, नूडल्स, कुकुम्बर जैसी स्वीट सब्जियों को कट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ज्यादातर इस गैजेट का उपयोग सब्जियों को स्पाइरल शेप में काटने के लिए किया जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस गैजेट को आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर वाले हिस्से पर ब्लेड लगी होती है, जिस पर की सब्जियों को अटैच करना होता है और उसे गोल गोल घुमाकर यह गैजेट आपकी सब्जियों को अपने निचले वाले हिस्से से कट करके बाहर आने लगता है। और दोस्तों इस गैजेट के साथ आपको एक रोटर भी मिल जाता है, जिससे कि आप सब्जियों को इजीली घुमा सकते हैं। तो गाइस प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि ये गैजेट्स आपको कैसा लगा है। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग सब्जियों व फ्रूट्स में से छिलके को निकालने के लिए किसी नॉर्मल नाइफ का यूज करते हैं, जिससे कि आपका काफी सारा टाइम भी खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा पीलर लेके आया हूं, जिसकी मदद से आप अपना काफी सारा टाइम को बचा सकते हैं, जिसका नाम है वाई पीलर, जिसकी एक मात्र हेल्प से आप सब्जियों व फ्रूट्स के छिलके को आसानी से निकाल सकते हैं। और यही नहीं, इसे आप अपने हाथों में पकड़ कर इजिली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो हैंडल ग्रिप होता है वो आपके हाथों से नहीं फिसलता है, जो कि इस पिलर की सबसे खास बात हो जाती है। और इसे आप आराम से चलाकर सब्जी व फ्रूट्स में से छिलके को निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका काफी सारा टाइम भी बच जाता है। सो गाइस यदि आप सब्जी व फ्रूट्स को एकदम सेफ्टी के साथ और काफी कम टाइम में छिलना चाहते हैं, तो इसे आप मात्र 170 रुपए में परचेस करा सकते हैं।
फिश स्क्रेपल। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब हम किसी मछली की स्किन को छीलते हैं तो हम लोग किसी नॉर्मल नाइफ या चाकू का यूज करते हैं, जिससे कि इसे छीलने में काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है और मछली की स्किन की सफाई भी उतने अच्छे से नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में आप अपने इस काम को और भी ज्यादा बेटर तरीके से और इजिली बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे में इस गैजेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इसे स्पेशली मछली को छीलने के लिए ही बनाया गया है और इसकी मदद से आप मछली को कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर ही आराम से छील सकते हैं। और दोस्तों इसकी खास बात यह होती है कि इसकी जो बॉडी है वो फाइबर की बनी होती है जो कि गिरने पर भी नहीं टूटता है और आप इसे आसानी से वाज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसे परचेस कराने की सोचते हैं तो आप इसे मात्र 50 रुपीज में इजिली मंगवा सकते हैं। टेम्पेस्टो 2। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि ठंडी के दिनों में हम ठंड को कम करने के लिए आग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को और भी स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार के कूल गैजेट का, जो कि आपको स्मोकलेस फ्लेम अवेलेबल कराता है, जिससे कि आप छोटी छोटी लकड़ियों को डालकर इसे जला सकते हैं। और यही नहीं, साथ ही इसमें थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी मिल जाता है जो कि आपके लिए एनर्जी जनरेट करता है, जिसमें कि आप स्मार्टफोन्स जैसे और भी कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2600 mAh का बैटरी इन्वॉल्व होता है जो कि आग से ऑटोमेटिकली ही चार्ज होते रहता है, जिसे कि आप एक पावर बैंक की तरह यूज करने के साथ साथ इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ट्यूब स्क्वीजर। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में जब टूथपेस्ट या क्रीम खत्म हो जाती है तो हम लोग उसमें से बचा कुचा मटेरियल भी निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बचा मटेरियल उतने अच्छे से नहीं निकलता है। तो दोस्तों इन्हीं सभी कंडीशन को देखते हुए ये छोटा सा गैजेट आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिसकी मदद से आप खाली ट्यूब में से बचे कुचे मटेरियल को इजिली निकाल सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों इसमें सिर्फ आपको नॉर्मली जिस भी ट्यूब से मटेरियल को निकालना होता है उसे इसमें डालकर इसमें लगी चाबी को धीरे धीरे रोटेट करना होता है, जिसके बाद ट्यूब में से बचा कुचा पेस्ट भी पूरा का पूरा बाहर निकल आता है, जिससे दोस्तों आपको ट्यूब में से पेस्ट को निकालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है और आपका वर्क एकदम इजिली हो जाता है और ट्यूब में से पेस्ट भी एकदम सफाई से निकल जाता है।